वायरस की बात हो गई है, अब बात होगी बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, तो देखो जो बात आपको समझनी है वो क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था वायरस। ठीक, अभी हम लोगों ने वायरस पढ़ा था और वायरस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि वायरसेस आर ए सेलुलर। ठीक है, यानी वायरस जो हम लोग पढ़ रहे थे उसकी सबसे खास बात ये थी कि वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, यानी वायरस में सेल नहीं होती। तो इसलिए वायरस को न तो प्लांट्स में रखा गया है न एनिमल्स में रखा गया है, वायरसेस आर वायरसेस। ये बात बताई थी लॉफ ने, LWOFF, लॉफ ने बताया था कि वायरसेस आर वायरसेस। ठीक है, अब देखिए आप, वायरसेस आर वायरसेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब हम लोग आ गए हैं सेल की तरफ। सेल, सेल की बात अगर हम करते हैं तो सेल दो, आम तौर पे जो हम लोग सेल देखते हैं वो दो प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बात पहले अपने दिमाग में याद रखना जो हम अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों के पास सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मतलब और भी हैं एक दो, लेकिन फिलहाल तुमको समझना है वो है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एग्जाम्पल पढ़ना है हमको बैक्टीरिया। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताइए तो आपको दरअसल बैक्टीरिया की सेल के बारे में बताना है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार की सेल आती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यानी अपने दिमाग में एक बात तो आपको यह बैठानी है कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों यूकैरियोटिक सेल है, दोनों यूकैरियोटिक सेल है। दोनों यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यानी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में तो हमको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि हमको एक तरफ पढ़ना है बैक्टीरिया और एक तरफ पढ़ना है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यानी अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं और यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रो माने, प्रो का मतलब हो गया पहले, जो सेल पहले थी, और यू का मतलब जब भी याद रखना, पूरी बायोलॉजी में यू शब्द कई जगह आएगा, यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू का मतलब सच्चा, वास्तविक, कंप्लीट। यानी और कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो जिसमें न्यूक्लियस पहले वाला था, पहले से मतलब प्रिमिटिव, पुराना, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं था वो, तो जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, वास्तविक न्यूक्लियस नहीं था, वो सेल कहलाई प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, वास्तविक न्यूक्लियस है, कंप्लीट न्यूक्लियस है,
वो सेल कहलाई यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस था, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस था। इतनी बात समझ में आई नम्रता वाजपेयी? यस सर, आ गई। ठीक, अब आप देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखते रहिएगा बड़े ध्यान से। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, ये देखो, ये बनाया हमने न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस को घेरने वाली मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें न्यूक्लियोलस है, ये देखो, केंद्रिका बोलते हैं जिसे, न्यूक्लियोलस है। ठीक, इसमें डीएनए है, ये देखो डीएनए है, और डीएनए के साथ में एक प्रोटीन भी अटैच होती है, हमेशा अटैच होती है डीएनए के साथ में एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये मैंने एच बना दिया, एच का मतलब हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस कंप्लीट हो, और कंप्लीट न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, जिसमें न्यूक्लियोलस हो, जिस न्यूक्लियस में डीएनए हो, और जिस न्यूक्लियस में डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन हो। जब ये सारी चीजें होती हैं तब वो न्यूक्लियस कंप्लीट न्यूक्लियस कहलाता है। यानी कि अगर हम इस न्यूक्लियस को देखें तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है वो सेल यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे, देखो, अब आप आइए न्यूक्लियस पे। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां थी, यहां नहीं है। ठीक, न्यूक्लियोलस यहां था, यहां नहीं है। हिस्टोन यहां है, यहां नहीं है। तो यहां है क्या फिर? यहां बचा केवल डीएनए। क्या बचा? नेकेड डीएनए। तो जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियोलस ना हो, डीएनए में हिस्टोन ना हो, केवल नेकेड डीएनए हो, ऐसी सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और जिस सेल में न्यूक्लियस कंप्लीट हो, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, डीएनए हो, और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन हो, ऐसी सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में बात आ गई होगी। अब आप देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है।
न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट समझो आप, राइबोसोम, ये एक राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स में 70S प्लस 80S दोनों टाइप के होते हैं। 70S भी होता है और 80S भी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप, डीएनए व आरएनए का अनुपात 1:2 होता है, 1:2। यानी डीएनए अगर 1% है तो आरएनए 2% होगा। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए और आरएनए का रेशो 1:1 होता है। अगर डीएनए 1 है तो आरएनए भी 1 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियस में केवल डीएनए होता है। अभी आपने देखा था कि ना तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोलस है, ना ही डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन है, ये कुछ भी नहीं पाया जाता है, तो इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। अगला पॉइंट, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या कोई हमें बता सकता है हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन? यस सर, हम बताएं। हाँ बताओ सर, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है और सर डीएनए की लंबाई सर बहुत ज्यादा होती है, तो उसको ऐसे ही न्यूक्लियस में नहीं रखा जा सकता। तो सर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स पर लपेट लपेट कर सर उसको कंडेंस करके फिर सर न्यूक्लियस में रखते हैं। तो फिर यहाँ बैक्टीरिया में कैसे रखते हैं? फिर यहाँ तो हिस्टोन है नहीं, पर सर स्टोन प्रोटीन पर डीएनए को लपेट कर सर कंडेंस किया जाता है ताकि ज्यादा आ सके। नहीं नहीं, तो इसमें फिर इसमें यहाँ बैक्टीरिया में क्या करें, इसमें कैसे, यहाँ तो स्टोन प्रोटीन है नहीं, तो इसमें फिर किसमें लपेटते हैं फिर? सर इसमें सर ऐसे ही पाया जाता है। नहीं तो फिर इसका मतलब हिस्टोन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता? सर पड़ता है। कहाँ पर, कैसे पड़ता बताओ, फिर बैक्टीरिया क्या करता है फिर? सॉरी यहाँ तो नहीं, सॉरी की बात नहीं, यहाँ तो ठीक है, तुमने बता दिया कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन में लपेट लपेट के डीएनए को रखा जाता है, चलो मान लिया, लेकिन फिर हम तो बात बैक्टीरिया की कर रहे हैं, फिर इसमें क्या करते हैं बताओ, कौन बताएगा, कोई और बता सकता है हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन? ये डीएनए में हिस्टोन, यहाँ तो चलो ठीक है, यूकैरियोट्स में तो आपने ये डीएनए बनाया और डीएनए के साथ में आपने जोड़ दिया हिस्टोन को, ठीक, ये हिस्टोन जुड़ गया। यहाँ पे जब आपने डीएनए बनाया, यहाँ हिस्टोन है नहीं, तो फिर दोनों में फायदा क्या, फर्क क्या हुआ फिर? भाई एक में हिस्टोन है तो उसे कुछ फायदा होना चाहिए। तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रही, तुम मत बोलो, तुम्हारा माइक खराब है। देखो हम बता, कोई बता सकता है सर? हाँ बोलो सर। बैक्टीरिया में जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पाए नहीं जाते, तो इस वजह से डीएनए वहां पे आराम से फिट हो जाता है। अच्छा सही दिमाग लगाया तुमने, लेकिन नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। हाँ अनुज बताओ। सर प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो सर सर्कुलर में होता है सर, और यूकैरियोटिक में सर लाइनर में होता है सर, इसलिए एडजस्ट हो जाता है सर।
तुम सब लोगों का ये मतलब है कि हिस्टोन का काम है एडजस्ट करना। सर साइटोप्लाज्म का, सर इसमें साइटोप्लाज्म ही होता है सर, उसके अंदर देखो सर न्यूक्लियस। अगर नहीं तुम लोगों को जवाब पता है तो बताओ, अंदाजे मत लगाओ। साइंस में अंदाजे नहीं चलते हैं, साइंस तो ऑब्जर्वेशन का नाम है ना। या तो आपको जवाब पता है या नहीं पता है। गेस आप तब करेंगे जब आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो। चलिए देखो मैं बता रहा हूं, आप में से कौन ऐसा है जो डीएनए की फुल फॉर्म बताएगा? सर दीपिका वर्मा। दीपिका वर्मा, दीपिका वर्मा, बताएं सर। नहीं नहीं दीपिका वर्मा, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक मिनट, एक डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अच्छा तो अभी जो ये कह रहे थे कि सर हम बताएं क्या अनुज नाम था, क्या नाम था, तुम जरा बताओ कि ये फुल फॉर्म सही है डीएनए की? इस फुल फॉर्म में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ किसने बताई थी फुल फॉर्म? दीपिका तुमने बताई थी ना। यस सर। तो मुझे ये, क्या तुम्हें ये मालूम है कि डीएनए में कितने बेस होते हैं? बेस कितने होते हैं? बेस पढ़े थे कभी डीएनए में? बेस कोई बताएगा? सर तुम्हारा माइक खराब है तो मत बोलो। प्रियांशी जो भी है तुम्हारा माइक खराब है मत बोलो। अरे माइक बंद करो भैया अपना, मत बोलो मत बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ, बाकी सब लोग माइक बंद करो। जो बताइए अभी जिन्होंने कहा वो केवल वो बताएंगे। सर हाँ बताओ। सर चार होते हैं। हाँ तो ठीक है बंद करो, बस 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 बंद करो, सब लोग माइक बंद करो। अब तुम बताओ मुझे दीपिका कि अगर डीएनए में तुम बता रही हो चार बेस होते हैं, चार बेस, तो फिर इसे एसिड क्यों कहते हैं? फुल फॉर्म में तो तुमने बताया कि एसिड है ये, तुमने बताई ना फुल फॉर्म इसकी है। यस सर। तो ये एसिड है या बेस है, पहले ये क्लियर करो। चलो इसको बैठ के क्लियर करना। यस सर, इसमें बेस तो चार ही होते हैं सर, एडिनिन, एडिनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन। तो इसे एसिड क्यों कहते हैं फिर? सर चलो कोई बात नहीं, पढ़ना है इसको बैठ के। ये तय हो गया कि डीएनए क्या है, एसिड है, ये तय हो गया ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। मुझे बताओ एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। तो डीएनए जो होता है वो एसिड होता है, इसको न्यूट्रल करने के लिए एक प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। तो यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रेजेंट है, वो डीएनए को न्यूट्रल कर देता है। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन की जगह एक दूसरी प्रोटीन होती है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, पॉलीएमीन्स, जो डीएनए को न्यूट्रल करती है। क्लियर? चलिए अब आगे आइए। तो हिस्टोन का काम डीएनए को न्यूट्रलाइज करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोन? टू न्यूट्रलाइज डीएनए। क्लियर? चलिए अब देखिए अगला पॉइंट, सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, लेकिन यूकैरियोट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, ये सब नहीं पाए जाते, यहां पर ये सब पाए जाते हैं।
तो दरअसल देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में अंतर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का है, लेकिन और भी जो अंतर हैं उन अंतरों में यह है कि जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऐसे ऐसे कोशिकांग जो दोहरी मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, हमने बैक्टीरिया के सेल का डायग्राम वैसे तो आप कहीं से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत दूर से लाए हम डायग्राम। पहली बात तो ये कि ये वाला नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाना है। इस बैक्टीरिया सेल को अगर आप गौर से देखें तो इस बैक्टीरिया सेल में एक तरफ लिखा हुआ है, ये बीच में एक लाइन टाइप की बनी है, ठीक, जो हालांकि लाइन नहीं है। इसमें एक तरफ लिखा है स्ट्रक्चर्स ऑलवेज प्रेजेंट, ऐसी संरचनाएं जो हमेशा पाई जाती हैं, और स्ट्रक्चर्स समटाइम्स प्रेजेंट, कभी कभी पाई जाती हैं। अब आप देखो गौर से, बताओ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। अभी हमने बताया कि वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है और हमेशा पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन हमेशा पाई जाती है, राइबोसोम हमेशा पाए जाते हैं, रिजर्व फूड हमेशा पाए जाते हैं, डीएनए हमेशा पाया जाता है, साइटोप्लाज्म हमेशा पाया जाता है। क्लियर? तो फिर बैक्टीरिया में कभी कभी क्या पाया जाता है, देखो। अब आप देखिए, फ्लैजेला कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, पाइलाई कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। ये एक कैप्सूल स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल हम बताएंगे इसके बारे में, ये हमेशा नहीं होता। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन हमेशा नहीं होती, मीसोसोम कभी कभी होते हैं, प्लाज्मिड कभी कभी होते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि बैक्टीरिया की सेल में कुछ स्ट्रक्चर हमेशा पाए जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर कभी कभी पाए जाते हैं। बताओ नम्रता, कैप्सूल हमेशा होता है या कभी कभी? ऑलवेज और समटाइम्स? क्या सर? कैप्सूल। कैप्सूल और समटाइम्स। और प्लाज्मिड? सर प्लाज्मिड भी समटाइम्स। सेल वॉल? सेल वॉल ऑलवेज सर। ऑलवेज। डीएनए? सर डीएनए भी हमेशा पाया जाता, हमेशा पाया जाता सर। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया सेल का आप डायग्राम, आप एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, और ये ध्यान रखना, भूलना मत, क्या ये नहीं बनाना है, इधर वाला केवल यही डायग्राम, बस यही वाला बनाना है। और एक हमने आपको भेजा होगा यूकैरियोटिक प्लांट सेल, भेजी है ना? यस सर, यस सर। वो दोनों डायग्राम आप क्या करेंगे, आप अगर आप हमारे बताए तरीके से चलेंगे तो आप क्या करिएगा, आप हेडिंग दोनों कॉपी के दोनों पन्ने ले लीजिएगा, आप दोनों पेज जैसे कॉपी खोलते हैं तो लेफ्ट वाला राइट वाला भी, इधर लिखेगा प्रोकैरियोटिक सेल लेफ्ट में, राइट में लिखेगा यूकैरियोटिक सेल। पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाइएगा, फिर यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाइएगा, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के नीचे ये वाले सारे कैरेक्टर लिख दीजिएगा, यूकैरियोटिक के नीचे ये वाले सारे, मतलब एक एक कॉपी के जो दो पेज होते हैं उन दो पेज पर पूरी बात आ जाए, और उसका एक का फोटो खींच के आपको आज होमवर्क में कल तक भेजना है। आप दो अगर भेजेंगे तो हम चेक नहीं करेंगे, एक पन्ना भेजना है आपको। बढ़िया सा आप प्रोकैरियोटिक सेल बनाइए, फिर यूकैरियोटिक सेल बनाइए, दोनों के करेक्टर लिखिए, और ये कॉपी के दो पन्ने आप ले लीजिएगा, जैसे आप कॉपी में दो पन्ने होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों पन्ने पे लेफ्ट वाले पे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम और उसके करेक्टर, राइट वाले पे यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम और उसके करेक्टर बना के आप अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए, ठीक है, और नोट्स में बनाए चाहे असाइनमेंट में बनाए, ये आपकी मर्जी है।